नमस्कार साथियों, रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि रेलवे ने अभी अभी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है प्रॉपर डेट्स के साथ में। एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा एग्जाम किस महीने में होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम है कि एक ऑफिशियल एक पेपर की कटिंग वायरल हो रही थी जिसमें मालूम चल रहा था कि आरपीएफ और एएलपी का एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होना है। साथ में यह भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन कर लिया गया है, लेकिन अभी तो फाइनल होकर सारा का सारा डेटा आ गया है कि एलपी का एग्जाम कब होगा, आरपीएफ का एग्जाम कब होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा, जेई का एग्जाम कब होगा। जैसा कि रेलवे बोर्ड ने कमिटमेंट किया था कि इस साल के अंत में यह सारी की सारी वैकेंसी फाइनलाइज कर देंगे, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक ऐसी एग्जाम डेट जारी की है जिसको देख के सारे बच्चे अचंभा रह गए हैं। चलिए एक एक करके सारी डेट्स को हम लोग भी देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो देखो नोटिस है, ये आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे आ गया है, जो बच्चे चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। यहां पे देखो सारा का सारा डेट आपको ऑलरेडी यहां पे दे दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एएलपी का एग्जाम होने वाला है। इसकी जो डेट है वो 25 नवंबर से 29 नवंबर, मात्र 5 दिन में, 5 दिन में आप ऐसे समझो, मात्र 5 दिन में एएलपी का एग्जाम ये लोग कंप्लीट करा लेंगे। मतलब इनको इनका जो मैंने आपको बताया था पीछे भी कि एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी इन्होंने फाइनल की है, 1,80,00,000 छात्रों के लिए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल की है, तो वो इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं कि मात्र 5 दिन में आपका CBT 1 का एएलपी का एग्जाम फाइनल करा लेंगे। इसके बाद में जो सेकेंड एग्जाम होने वाला है अगर उसको देखोगे तो वो आरपीएफ एसआई का है। हालांकि यहां पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल एक साथ होने चाहिए, लेकिन यहां पे सिर्फ एसआई लिखा हुआ है, कांस्टेबल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे ख्याल से हो सकता है कि साथ में हो। ये 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में होना है, मतलब टोटल हमारे पास में 4 डेज में ये भी एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो जेई का नोटिस टेक्नीशियन के बाद में आया था, लेकिन अभी क्या है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, इस वजह से शायद इन्होंने जेई और जो अदर एग्जाम है जिसमें पैरामेडिकल है इसका भी एग्जाम का जो डेट दे रखा है टेंटेटिव, ये 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक दे रखा है। मतलब टोटल 8 डेज में जेई और पैरामेडिकल के एग्जाम ये कंप्लीट करा लेंगे। और अदर का मतलब कहीं इसमें एनटीपीसी तो शामिल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें एनटीपीसी शामिल होगा, लेकिन फिर भी ये जेई और पैरामेडिकल जो पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं, क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं इसीलिए उनका डेटा है, इसीलिए वो एग्जाम डेट फाइनल कर सकते हैं। एनटीपीसी का तो अभी टोटल फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए फाइनल करना उनको थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अपने टेक्नीशियन का जो एग्जाम है इसको भी उन्होंने 16 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में बोल दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये एग्जाम कराएंगे नवंबर दिसंबर में, अगर एएलपी और आरपीएफ का एग्जाम करा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था पीछे की वीडियो में, जहां तक उम्मीद है कि जनवरी से फरवरी के बीच में ये टेक्नीशियन का एग्जाम करा सकते हैं। लेकिन ये मतलब जितना भी इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखा है अपने, और एकदम नए तरीके से ये डेट जारी कर दी है। प्रीवियस रिकॉर्ड से कोई भी डेटा इनका मैच नहीं कर रहा है। इवन दो आपको मालूम है कि टेक्नीशियन के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, 16 अक्टूबर फॉर्म भरने की आखिरी डेट है, उसके बाद भी इन्होंने टेक्नीशियन के एग्जाम की डेट दे दी है कि 16 दिसंबर से। कहने का मतलब जो नए बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको मात्र 2 महीने का समय मिलने वाला है पूरी की पूरी तैयारी करने के लिए। मतलब नए बच्चों का फॉर्म भरना पूरा का पूरा बेकार हो गया। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी फॉर्म भर के सोच रहा था कि टेक्नीशियन की क्या तैयारी हो सकती है, तो अब वो कतई नहीं हो सकती, सिर्फ 2 और 2 महीने बचे हुए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, अगर आपका फॉर्म मिस हो गया है तो आप भर के एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा हुआ है, तैयारी भी नहीं है, तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लगभग 11 दिन मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें 11 दिन इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स भी ज्यादा हैं, और 11 दिन इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का एग्जाम है। तो ये प्रॉपर सारा का सारा शेड्यूल जारी हो चुका है। आप जितने भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो एलपी की तैयारी करो, चाहे टेक्नीशियन की तैयारी करो, चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की तैयारी करो, सभी बच्चे अपनी पूरी की पूरी जान लगा दो तैयारी में, सीबीटी 1 की तैयारी के लिए एकदम पूरी जान लगा दो। सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रिविजन पूरा फोकस करो, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आपकी प्रैक्टिस को और इंप्रूव करने के लिए माई पाठशाला आपको जल्द ही जल्द पूरा का पूरा शेड्यूल जारी करेगा कि एएलपी के लिए कौन सी सीरीज चलाने वाले हैं, आरपीएफ के लिए कौन सी सीरीज चलाने वाले हैं, टेक्नीशियन के लिए कौन सी सीरीज चलाने वाले हैं, जेई के लिए कौन सी सीरीज चलाने वाले हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा सीबीटी 1 एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।